नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 2 यानी कि विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की आवश्यकता तथा उसके क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से वीडियो को देख लीजिए। क्लास 1 है आपका, चैप्टर 1 रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आप सभी को बताया है। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ पहले वीडियो का, वहाँ से आप अध्ययन कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी नोट्स अवश्य बना रहे होंगे। अगर नोट्स नहीं मिल पा रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पीडीएफ को मंगा सकते हो, जिससे आप आसानी से नोट्स बना लो और पढ़ाई करो। ओके, शुरू करते हैं विकास की अवस्थाएँ। दोस्तों, विकास की अवस्थाओं को पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये प्राइमरी एंड जूनियर दोनों के लिए ये वीडियो दोनों वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए है। तो जो भी दोनों पेपर देना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं इसको। और दोस्तों, ये पार्ट वन ही है, पार्ट टू नेक्स्ट कल आपको मिलेगा। ओके, देखिए विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं। विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ अवस्थाओं में से गुजरता है, इनके संबंध में मनोवैज्ञानिकों में क्या है दोस्तों, मतभेद है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई भी सही से क्लियर नहीं कर पाया है बाल विकास की अवस्थाएं क्या हैं। तो सभी ने मानव विकास को निम्नांकित अवस्थाओं में विभाजित किया है। ओके, देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि प्रारंभिक बाल्यकाल और पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, इनके बारे में बताया है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने। तो प्रारंभिक बाल्यकाल को इन्होंने जन्म से लेके 12 वर्ष की आयु तक माना। फिर पूर्व किशोरावस्था आता है, इसको 12 से 16 वर्ष तक माना है। किशोरावस्था को 16 से 21 वर्ष की आयु तक माना गया और वयस्कावस्था को 21 वर्ष के बाद माना गया। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये धारणा रखी थी। ठीक है दोस्तों, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रारंभिक बाल्यकाल को निम्न भागों में बांटा। कौन कौन है प्रारंभिक बाल्यकाल, देखते हैं। जैसे क्या हो गया, सहसौ, जन्म से 3 वर्ष की आयु तक। फिर पूर्व बाल्यकाल, सहसों को दोस्तों क्या कहते हैं, इन्फेंसी, या जन्म से कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक। फिर पूर्व बाल्यकाल, प्री चाइल्डहुड, या 3 से 6 वर्ष तक। और फिर उत्तर बाल्यकाल यानी कि लेट चाइल्डहुड, ये कब से कब तक, 6 से लेके 12 वर्ष तक। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रारंभिक बाल्यकाल को इसी भागों में विभाजित किया। आगे समझ में, आगे देखते हैं। आपने दोस्तों पहले ही पढ़ा कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों में बाल विकास की अवस्थाओं को लेकर क्या है, मतभेद है। लेकिन फिर देखिए क्या आता है कि डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स द्वारा किया गया विकास की अवस्थाओं का जो विभाजन है, यह अधिक सुविधाजनक व उपयुक्त माना गया। किसका, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स। इसको आप लोग याद कीजिएगा, नोट कीजिए, पॉइंट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स द्वारा किया गया विकास की अवस्थाओं का विभाजन सबसे अधिक सुविधाजनक व उपयुक्त माना गया है। इनके अनुसार मनुष्य का विकास 4 अवस्थाओं में होता है। ठीक है, यहाँ से निकल के आया क्या, मनुष्य का विकास 4 अवस्थाओं में होता है। आपके क्वेश्चन पेपर में भी पूछ सकता है कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएँ होती हैं, तो आप क्या बताएंगे, बाल विकास की 4 अवस्थाएँ होती हैं। कौन कौन सी 4 अवस्थाएँ, नीचे देखिए, 4 अवस्थाएँ क्या क्या है दोस्तों, सहसवावस्था पहली अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। सहसवावस्था को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इन्फेंसी। बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड। किशोरावस्था को बोलते हैं एडोलसेंस और प्रौढ़ावस्था को बोलते हैं दोस्तों एडल्टहुड। सहसवावस्था का जो जीवन काल है, या क्या निर्धारित किया गया, जन्म से 5 या 6 वर्ष, यानी कि 0 से 6 वर्ष, कभी कभी 0 से 5 वर्ष भी दिया रहता है। अगर ऑप्शन में 0, 5 और 0, 6 दोनों हैं तो आप 0, 6 पे टिक करोगे। आई बात समझ में, और 0, 6 नहीं है, यानी 0 से 6 नहीं है, तो आप 0 से 5 पे टिक करोगे। ओके, तो सहसवावस्था का जीवन काल कितना है दोस्तों, जन्म से लेके 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था, इसका जीवन काल क्या है, 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। कितना, 6 से लेके 12 वर्ष तक। किशोरावस्था का जीवन काल क्या है दोस्तों, 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था का जीवन काल क्या है, 18 वर्ष के बाद। ओके, तो ये थी दोस्तों बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, सहसावस्था यानी कि इन्फेंसी,
इनका जीवन काल है 0 से 5 ईयर्स या 6 ईयर्स। बाल्यावस्था चाइल्डहुड, इसका जीवन काल है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। और प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड कब से? 18 वर्ष के बाद। 18 वर्ष के बाद क्या आता है? प्रौढ़ावस्था आता है। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगली टॉपिक है दोस्तों क्या? विकास के पक्ष। विकास के पक्ष, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और चारित्रिक, ये 5 क्या हैं? विकास के पक्ष हैं। पक्ष तो बहुत हैं दोस्तों, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य रूप से 5 विकास के पक्ष माने जाते हैं। विकास के इन 5 पक्षों का शिक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है, क्योंकि बाल विकास की प्रक्रिया में इनका क्या है? परस्पर घनिष्ठ संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो विकास के मुख्यतः कितने पक्ष हैं? विकास के मुख्यतः 5 पक्ष हैं। कौन कौन से हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और चारित्रिक। ओके दोस्तों, आ गया समझ में? आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। बाल विकास की अवस्थाओं में पहली अवस्था डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा था, उन्होंने क्या बताया कि पहली अवस्था क्या होती है? शैशवावस्था होती है, इन्फेंसी होती है। इनका जीवन काल हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों? 0 से 6 वर्ष तक, यानी जन्म से लेके 6 वर्ष तक, या कहीं कहीं जन्म से लेके 5 वर्ष भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जन्म से लेके 6 वर्ष की आयु तक इसका आयुकाल होता है। देखिए अब क्या होता है आगे देखिए शैशवावस्था में, कि सामान्यतः जो शिशु का जन्म होता है, शिशु जन्म से पूर्व का काल कितना होता है दोस्तों? 10 चंद्रमास या 9 कैलेंडर मास या 40 सप्ताह या 280 दिन का होता है। किसका? शिशु का जो जन्म से पूर्व का काल होता है कितना होता है? 280 दिन, 9 कैलेंडर मास या 40 सप्ताह या 10 चंद्रमास होता है। परंतु इस अवधि में भी कभी कभी परिवर्तन देखा गया है, जो कि 280 दिन से लेकर 334 दिन जन्म के पूर्व काल होने का उदाहरण मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी इसको आप इम्पॉर्टेंट है ये सभी टॉपिक, कि जो जन्म का पूर्व काल होता है बच्चे का या शिशु का, वो 10 चंद्रमास, 9 कैलेंडर मास या 40 सप्ताह या 280 दिन का होता है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया हो तो आगे देखते हैं। जन्म से पूर्व काल को क्रमशः डिम्बावस्था, फिर पिंडावस्था, फिर भ्रूणावस्था और फिर शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है। देखिए जन्म से पूर्व काल को क्रमशः, सबसे पहला क्या आता है दोस्तों? डिम्बावस्था, फिर पिंडावस्था आएगा, फिर भ्रूणावस्था आएगा, उसके बाद शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी आता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में भी पूछने की संभावना रहती है इसकी दोस्तों। तो शैशवावस्था को क्या कहा जाता है? मानव जीवन का आधार माना जाता है। शैशवावस्था को क्या माना जाता है दोस्तों? मानव जीवन का आधार माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा दोस्तों। ओके आगे देखते हैं, अब इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों शुरू हो गई है। देखिए अभी ये भी इंपॉर्टेंट है कि शैशवावस्था बालक का क्या है? निर्माण काल है। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके आगे देखिए, न्यूमैन के शब्दों में, न्यूमैन ने क्या बोला कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और है दोस्तों, कि अगर हम लोग कैसे विभिन्न मनोवैज्ञानिक हैं उनके कथन को कैसे याद करें, कैसे याद करेंगे दोस्तों? जैसे एक कथन दे दिया है उन्होंने, इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे और कम से कम इसको 2 से 3 या 4 बार लिखेंगे या सब पढ़ेंगे, तो अपने आप हमको समझ में आ जाता है कि यह कथन किसके अनुसार है। ठीक है, तो न्यूमैन ने क्या बताया कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, यानी कि इस समय जो कुछ भी किया या सिखाया जाता है बच्चे को, उसका प्रभाव बालक के ऊपर क्या होता है कि तत्काल पड़ जाता है। 5 वर्ष तक की अवस्था के लिए, जैसे 0 से 5 वर्ष तक के बालक जो होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे उनकी समझ हल्की हल्की बढ़ती है, उनको जो कुछ भी सिखाया या उनके साथ जो कुछ भी किया जाता है उसका प्रभाव तत्काल उनके ऊपर पड़ता है। एक चीज़ और निकल गया है दोस्तों, क्या? शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है, इसे जीवन का आधार कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? बालक का निर्माण काल भी कहा जाता है। ओके आगे देखते हैं दोस्तों, फ्रायड के अनुसार,
फ्रायड ने क्या बताया, फ्रायड महोदय ने बताया कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। क्या बोला इन्होंने, बहुत ही आसान है दोस्तों और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। यह किसने कहा, यह कथन किसके अनुसार है, 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से आपको कौन सा ऑप्शन पे टिक करना है। फ्रायड महोदय, फ्रायड के अनुसार आपको टिक कर देना है, जहां कहीं भी फ्रायड दिखेगा आप जल्दी से टिक कर देंगे। आगे देखिए, जन्म के 15 दिन बाद बालक के त्वचा का रंग अस्थायी होने लगता है। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है सीटेट, टेट और सुपर टेट के लिए। जन्म के कितने दिन बाद, 15 दिन बाद बालक का त्वचा का रंग अस्थायी होने लगता है। क्लियर हो गया। आगे देखिए, नवजात शिशु, जब बच्चा पैदा होता है, जब रोता है तो इससे क्या होता है कि उसके फेफड़ों में हवा भर जाती है। नवजात शिशु जब रोता है तो उसके फेफड़ों में हवा भर जाती है और उसी से उसकी श्वसन यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया उसकी आरंभ हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों जो कि आपको याद करना उतना ही जरूरी है जितना कि आपके लिए खाना खाना। ओके, देखिए एडलर महोदय ने क्या बताया कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको कोई नहीं बताने वाला ये। ओके, तो आप नोट्स बनाओ, नोट्स मुझसे बोलो, मैं नोट्स आपको दूंगा। बस आपको एक ही काम करना है कि अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करना है और इसी बार आपको यूपी टेट सुपर टेट क्लियर कर देना है। तो शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह कथन किसके अनुसार है दोस्तों, एडलर महोदय के अनुसार यह कथन है। आगे देखिए, क्रो एंड क्रो ने क्या बोला, क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को क्या कहा जाता है दोस्तों, बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसके अनुसार है, क्रो एंड क्रो के अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब जितने भी कथन मैंने लिखा है ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छी तरीके से पढ़िएगा और अच्छी तरीके से इनका अभ्यास कीजिएगा। ओके, एडलर महोदय का एक और कथन है, इसके पहले इन्होंने क्या बताया कि शैशवावस्था द्वारा ही जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, और फिर इन्होंने एक चीज़ और बताई क्या कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही, बालक का जब जन्म होता है उसके कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, जीवन में उसका क्या स्थान है, यह जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है। यह भी कथन किसके अनुसार है, एडलर के अनुसार। इन्होंने एक कथन और क्या दिया था कि शैशवावस्था द्वारा ही जीवन का क्रम निश्चित किया जा सकता है। ओके, आगे देखिए, वैलेंटाइन महोदय ने क्या बोला, वैलेंटाइन ने बोला कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। शैशवावस्था को किसका आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी याद कीजिएगा। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, बालक को 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। क्रो एंड क्रो ने कहा शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, वैलेंटाइन ने कहा। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट कथन है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों फिर से आ गया एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आ गया कि शिशु में स्वप्रेम की भावना होती है। शिशु के अंदर क्या होती है दोस्तों, स्वप्रेम की भावना होती है, जिसे क्या कहते हैं, नार्सिसिज्म जिसको कहा जाता है। शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना होती है, आप सभी को बताया कि शिशु के अंदर क्या होती है, स्वप्रेम की भावना होती है। जैसे ही कोई प्रॉब्लम या कोई मुसीबत आती है तो बच्चा होता है सबसे पहले वह अपनी जान बचाता है, ठीक है, वह डर जाता है और वहाँ से भाग लेता है। ओके, उसे क्या कहते हैं, नार्सिसिज्म के नाम से उसको जाना जाता है। ये देखिए और इम्पॉर्टेंट, ये किसी को नहीं पता होगा दोस्तों, लड़कों में माँ के प्रति प्रेम होता है। आपने देखा होगा कि जो भी बच्चे होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनके अंदर माँ के प्रति ज़्यादा प्रेम होता है। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑडिपस भावना ग्रंथि के नाम से जाना जाता है उस प्रेम को। लड़कियों को देखे होंगे आप, लड़कियों के अंदर अधिकतर पिता के प्रति प्रेम ज़्यादा होता है, इसे इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, आगे देखिए, इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, ये इन्फेंट से बना है, हुआ है, जिसका इन्फेंट का अर्थ क्या होता है, शिशु। इन का अर्थ नहीं और फेरी का अर्थ बोलना, अर्थात बोलने के अयोग्य, जो बोल ना पाए उसे क्या बोलेंगे, इन्फेंट या इन्फेंसी, या एक लैटिन लैंग्वेज है दोस्तों। ओके, आगे देखिए, शैशवावस्था औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक ही चलती है, जिसमें इंद्रियां काम करने लगती हैं। जिसमें इंद्रियां क्या होती है दोस्तों, जो सेंसेस होते हैं वो काम करने लगते हैं, और बालक रेंगना, चलना और बोलना सीखता है। यह कथन किसके अनुसार है दोस्तों, यह कथन है क्रो एंड क्रो के अनुसार। ओके,
शैशवावस्था औसतन जन्म से 5 से 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें इंद्रियां, जिसमें हमारी सेंसेस काम करने लगती हैं और बालक रेंगना तथा चलना बोलना सीखता है। यह कथन है क्रो एंड क्रो के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो शैशवावस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है दोस्तों, शारीरिक विकास में तीव्रता। जो बच्चे होते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास अत्यधिक तीव्र गति से होता है। यह आप सभी ने देखा है कि 0 से लेकर यानी जन्म से 6 वर्ष तक बालक अधिकतम लंबाई पाया जाता है अपनी। ओके, आगे क्या है, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। बालक के जो शैशवावस्था होते हैं वो शिशु की मानसिक क्षमताएँ जैसे उनका ध्यान, स्मरण, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में बढ़ोतरी या तीव्रता होने लगती है और होती रहती है। ओके, बच्चों के सीखने में भी गतिशीलता आ जाती है, अर्थात शैशवावस्था में प्रथम 6 वर्षों में वह लगभग उतना सीख लेता है जितना वह बाल्य या किशोरावस्था के 12 वर्षों में सीखता है। ओके दोस्तों, आगे देखिए, उनके अंदर इमिटेशंस, नकल, दोहराने की प्रवृत्ति भी होती है बच्चों के अंदर 0 से 6 ईयर्स तक। जो यानी कि शैशवावस्था में क्या होता है कि जब बच्चे नवजात शिशु होते हैं तो नवजात शिशु में शैशवावस्था के दौरान वे शब्दों, वाक्यों तथा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति रखने लगते हैं और यह विशेषता उनके अंदर पाई जाती है। अगला पॉइंट है जिज्ञासा प्रवृत्ति। जो बच्चे होते हैं शैशवावस्था में कैसे होते हैं, जिज्ञासा रखने वाले होते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे उनके अंदर बहुत से सवाल उथल पुथल करने लगते हैं, जो भी चीज़ें आप उनसे पूछते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये इत्यादि चीज़ें आपने देखा होगा, फील किया होगा, ये बच्चे अधिकतर पूछते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या करते हैं कि शैशवावस्था में जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा प्रबल रहती है। बच्चे क्या करते हैं, खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उनके भागों को अलग अलग करके इधर उधर से अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, वो पर निर्भर, डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर, पर निर्भरता। जन्म के उपरांत कुछ समय बाद शिशु बिल्कुल असहाय स्थिति में रहता है। आप सभी को पता है बच्चा पैदा होता है, बच्चा क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। वह भोजन तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए, जैसे उसकी सुरक्षा, कोई उसे प्यार करे, उसे दुलारे, इसके लिए यह दूसरे व्यक्तियों पर क्या होता है, आश्रित रहता है। आगे समझ में। अगला पॉइंट देखते हैं, बच्चों के अंदर स्वप्रेम की भावना होती है। आप सभी ने पढ़ा जिसको क्या बोलते हैं, नार्सिसिज्म कहते हैं। कोई मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चे सबसे पहले अपनी जान को बचा के भागते हैं। अगला क्या है, संवेग, इमोशंस, संवेगों का प्रदर्शन। जन्म के समय शिशु में उत्तेजना के अतिरिक्त अन्य कोई भी संवेग नहीं होता है, लेकिन 2 वर्षों के बाद या 2 वर्ष की आयु होते होते उनके अंदर भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा नामक ये 4 मुख्य संवेग विकसित हो जाते हैं। ओके, यहाँ से देखिए एक प्रश्न और बन गया दोस्तों, क्या कि संवेग कितने होते हैं, 4 मुख्य रूप से 4 संवेग होते हैं। कौन कौन सा, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये मुख्य रूप से 4 संवेग इमोशंस हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला जो है, अगली विशेषता है दोस्तों, बच्चों के अंदर काम प्रवृत्ति ज़्यादा होती है शैशवावस्था में। फ्रायड एवं अन्य मनोविश्लेषणवादियों ने यह बताया कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल रहती है। जैसे वो अपना अंगूठा चूसते रहते हैं, ठीक है, स्तनपान करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, तो इन्हीं सबको लेकर के उन्हें क्या बताया गया कि काम प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है। अगला देखिए दोस्तों, जो बच्चे होते हैं शैशवावस्था में 0 से लेकर 6 ईयर्स तक, इनके अंदर नैतिक भावना का अभाव पाया जाता है। शिशु में प्रायः नैतिक भावना का अभाव रहता है। उसे अच्छे बुरे, सही गलत, उचित अनुचित तथा नैतिक अनैतिक जैसी बातों का विभेद करना उनके लिए मुश्किल होता है, उनका ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए वो ऐसा व्यवहार करते हैं जो हमको अच्छा नहीं लगता है। और अधिकतर लोग क्या करते हैं जनरल लाइफ में, उनकी पिटाई कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्या होता है प्रॉब्लम, कि नैतिक भावना का अभाव रहता है उनके अंदर, वो अच्छे बुरे सही गलत इत्यादि का विभेद नहीं कर पाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये था दोस्तों बाल विकास की अवस्था, बाल विकास की अवस्था का पहला पार्ट, बाल विकास की अवस्था का पहला पार्ट है दोस्तों ये। हम लोगों ने आज पढ़ा इन्फेंसी यानी शैशवावस्था के बारे में हमने आज पढ़ा है दोस्तों, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन्हीं 3 अवस्थाओं के बारे में हमको पढ़ना है, प्रौढ़ावस्था के बारे में हमें पढ़ना नहीं होता है।
ओके, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये तीन अवस्थाएं हैं जिनमें से शैशवावस्था को हमने आज कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था, किशोरावस्था को हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को जल्दी से देखें, ठीक है। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मैं दे दे रहा हूँ आपको। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप अमित शुक्ला 89 आप करोगे तो आ जाएगा मेरा पेज। और फिर आप हमें फेसबुक पे भी स्वास्तिक क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हो। ओके, व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 9455191455, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप PDF के लिए आप मुझसे बोल सकते हो। ओके, थैंक यू।